Right. Now see how to create application using a Spring JDBC. Right. So okay, so if you want to create application in Spring JDBC, we have the following steps. If you want to work with Spring JDBC, we have some following steps here. क्या क्या steps है? सबसे पहले रहेगा create the Maven project. सेकेंड रहेगा लोड द फॉलोइंग माइवेन डिपेंडेंसीज. देन थर्ड कॉन्फिगर द ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास एंड लोड द डेटाबेस कॉन्फिगरेशन. फोर्थ कॉन्फिगर द जेडीबीसी टेम्पलेट for work with a database. Call the JDBC template bin in a client application and work with a database. And six, use the JDBC template methods to work with a database. These are the some important steps if you want to work with a Spring JDBC, right? So चलिए अब एक-एक step हम implement करते हैं, right? Just wait, guys. App drive Spring. Just wait, student. जस्ट वेट, देखते हैं. यहां पे आप आइए. जस्ट वेट, होने दीजिए इसे ओपन. अभी हम एक एक स्टेप 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 बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रिएट अ मैवेन प्रोजेक्ट. चलिए कैसे करेंगे, फाइल नीव. जस्ट वेट, मैवेन प्रोजेक्ट यहां पे आप आइए. यहां पे आने के बाद नेक्स्ट यहां पे हम लिखेंगे org.intech स्प्रिंग जेडीबीसी फर्स्ट. यहां पे आइए एंड फिनिश इज हियर. जस्ट वेट, जस्ट वेट स्टूडेंट. राइट, स्प्रिंग जेडीबीसी फर्स्ट इज हियर. यहां पे आने के बाद आप यहां आइए, राइट क्लिक करेंगे आप, नीव व्हाट इज दिस पैकेज. यहां पे आप लिखिए org.intech. यहां पे आप आइए, राइट क्लिक, ये हो गया. राइट, अभी आपको ये हो गया. उसके बाद क्रिएट दी और लोड द फॉलोइंग माइवेन डिपेंडेंसी. सो इफ यू वांट टू वर्क विद स्प्रिंग जेडीबीसी, वी हैव द फॉलोइंग माइवेन डिपेंडेंसी. सबसे पहले आपको लगेगा स्प्रिंग कोर, उसके बाद क्या लगेगा, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का भी लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, स्प्रिंग जेडीबीसी, और उसके बाद क्या लगेगा, MySQL कनेक्टर. MySQL कनेक्टर, Maven डिपेंडेंसीज, दिज आर द सम मोर इंपॉर्टेंट, यस सम, दिज आर द सम मेजर इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसीज वी रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू वर्क विथ ए स्प्रिंग जेडीबीसी. So, चलिए अभी हम सभी के सभी इंस्टॉल करते हैं डिपेंडेंसीज. ये दो तो हम शायद हमारे पास प्रीवियस प्रोजेक्ट से ही ले सकते हैं.
लेकिन चलिए मैं इस बार पूरे के पूरे फ्रेश ही डाउनलोड करते हैं। स्प्रिंग कोर 5.0 मैवन डिपेंडेंसीज। जस्ट वेट। राइट फिर आप इसे कॉपी कीजिए। राइट यहां पे आप आइए। उसके बाद में आपको लगेगा स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैवन डिपेंडेंसीज। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मैवन डिपेंडेंसीज इसे हम लेते हैं। वी नीड टू कॉपी इट। ये दूसरी डिपेंडेंसी हमें रिक्वायर्ड है। जस्ट वेट। उसके बाद में आपको क्या करना है, स्प्रिंग जेडीबीसी लेना है। यहां पे आप आइए स्प्रिंग जेडीबीसी 5। जस्ट वेट गाइस। अगर आप यहां पे आते हैं तो समझेगा आपको। और लास्ट में आपको और एक डिपेंडेंसी लगेगी, MySQL कनेक्टर। सो व्हाट हैपन, आप यहां पे आइए और यहां पे आने के बाद आप इस तरीके से लिख सकते हैं MySQL कनेक्टर Maven डिपेंडेंसीज। यहां पे क्लिक कीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। हम एक पॉइंट ये लेते हैं, इसे आप कॉपी करेंगे एंड वी हैव टू बी। ये चार डिपेंडेंसीज है जो आपको रिक्वायर्ड है। फिर चलिए आप प्रोजेक्ट के अंदर आइए, फॉर्म एक्सएमएल के लिए ओपन करते हैं। जस्ट वेट। फिर अभी आप यहां पे आने के बाद आप यहां पे ऐसे लिखिए डिपेंडेंसीज, और ये डिपेंडेंसीज लिखने के बाद फिर आप लिखिए स्प्रिंग कोर। वी हैव टू कॉपी इट एंड पेस्ट हियर। Spring context, Spring JDBC, and a MySQL connector. File को हम सेव ऑल करते हैं। राइट क्लिक किया। जस्ट वेट गाइज। राइट क्लिक हियर, source and a format, spring core, spring context, spring jdbc and mysql connector। ये देखिए ये पूरे के पूरे आपके डिपेंडेंसीज यहां पे अवेलेबल है। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो गाइस। उसके बाद में फिर आपको करना क्या है, थर्ड स्टेज। राइट, कॉन्फिगर द ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स क्लास एंड लोड द डेटाबेस कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आप ध्यान रखिए कि ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स इज इनबिल्ट क्लास। ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स इज इनबिल्ट क्लास फ्रॉम ए इनबिल्ट क्लास फ्रॉम ओआरजी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट जेडीबीसी डॉट डेटा सोर्स पैकेज which is used for load the database configuration। driver manager data source is inbuilt class from org.spring-framework-jdbc-data-source-package which is used for to load the database configuration। iska jo major purpose hai ye kya hai, which is used for to load the database configuration। ye database configuration kya karta hai, use karta hai। ये इनबिल्ट क्लास है। सो इफ यू वांट टू बी मैनेज दिस क्लास, वी हैव अ टू वेज। नंबर वन, कॉन्फिगर इट्स बीन बाय यूजिंग एक्सएमएल, और दूसरा है कॉन्फिगर इट्स बीन बाय यूजिंग ए एनोटेशन। ये दोनों भी आपको पता है, मतलब इन लोगों ने क्या किया है मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। Just wait, driver manager data source, देखिए
यहाँ पे अगर आप आते हैं तो हमारे पास एक इनबिल्ट क्लास है जिसका नाम है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। देखिए जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको अभी देखिए स्प्रिंग कोर किस तरीके से इधर यूज होता है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, अगर मान लीजिए मैंने लिखा क्लास एम्प्लॉय प्राइवेट इंट ऑफ आईडी प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम प्राइवेट इंट ऑफ सैलरी, और मैंने अगर ऐसे लिखा जिसमें आपको दिखा रहा हूं, तो अभी आप मुझे बताएं स्प्रिंग कोर के हिसाब से इसको आप कैसे कॉन्फिगर करेंगे, कौन बताएगा बिन के अंदर? हेलो गाइस, कौन बताता है? अगर आपके पास इस तरीके का क्लास है तो आप इसे कॉन्फिगर कैसे करेंगे स्प्रिंग कोर के हिसाब से, कौन बताता है? ऐसे लिखेंगे ना, कैसे बताइए? बिन आईडी इक्वल टू ई बराबर, यस और नॉट बात कीजिए। क्लास इक्वल टू ओआरजी डॉट टेकअप डॉट, ऐसे लिखा था हमने एम्प्लॉय बराबर, यस और नॉट? फिर उसके बाद आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? यस, प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू कैसे होता है आईडी, वैल्यू कैसे रहेगा 1। फिर इसके बाद कैसे रहेगा? प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ऑफ है नेम, वैल्यू इक्वल टू क्या रहेगा? राम। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू क्या है? सैल। वैल्यू इक्वल टू कितना है? मान लीजिए 10,000। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस, इस तरीके से। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, डाटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें बोला है कि आप कुछ भी मत कीजिए, हम एक आपको रेडीमेड क्लास देते हैं जिसका नाम है क्लास ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर क्या नाम है? डेटा सोर्स। और इसके अंदर इन्होंने ऐसे लिखा है प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ड्राइवर क्लास नेम प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ यूजर नेम प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ पासवर्ड प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ URL। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, ऐसे लिखा है और यहां पे ऐसे फंक्शन दिए हैं, ध्यान रखिए पब्लिक void सेट ड्राइवर क्लास नेम स्ट्रिंग ऑफ ड्राइवर क्लास नेम दिस डॉट ड्राइवर क्लास नेम इक्वल टू द ड्राइवर क्लास नेम इज हियर पब्लिक स्ट्रिंग, ऐसे लिखे है पूरे। जैसे यहां पे और एक फंक्शन दिया है आपको वाइड सेट यूजर नेम स्ट्रिंग ऑफ यूजर नेम लिखा है दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम, इनबिल्ट क्लास है। फिर आप इसका बिन कैसे लिखेंगे, कौन बताता है? हम इसका बिन ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिन अभी हमने ये क्लास अभी हमने नहीं लिखा है, ये हमें किसने दिया है प्लीज बताइए स्टूडेंट्स? ये हमें किसने दिया है? स्प्रिंग ने दिया है। तो सिर्फ हमें इसे यूज करना है, यूज करना है मतलब क्या करना है? वी नीड टू कॉन्फिगर इट्स बिन बिन आईडिया ऑफ ए, ऐसे लिखिए डेटा सोर्स क्लास इक्वल टू कैसे लिखेंगे ओ आर जी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट जेडीबीसी डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स नाम की क्लास दी है, फिनिश। स्लैश ऑफ बिन करना है आपको बस। फिर यहां पे कैसे लिखेंगे आप? यहां पे आप लिखिए प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ड्राइवर क्लास नेम वैल्यू इक्वल टू, आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा com dot mysql dot cj dot jdbc dot driver property name equal to कैसे लिखेंगे आप बताइए? यूजर नेम वैल्यू इक्वल टू कैसे होगा? रूट। प्रॉपर्टी नेम कैसे होगा बताइए? पासवर्ड। वैल्यू इक्वल टू कैसे होगा? सिस्टम। प्रॉपर्टी नेम कैसे होगा? URL। वैल्यू इक्वल टू कैसे होगा? jdbc://localhost3306/mysql। इज इट क्लियर और नॉट? अभी आपको डाटाबेस कनेक्ट करना है तो आप एक ही बार XML के अंदर ये लिखिए और गेट बिन में हम किसे कॉल करेंगे बताइए? यस गाइस, गेट बिन में हम किसे कॉल करेंगे प्लीज बताइए? यस, डेटा सोर्स को कॉल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटरनली क्या हो जाएगा? इंटरनली इसका ऑब्जेक्ट बनेगा बराबर,
फिर आप लिखेंगे डेटा सोर्स डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम कॉम डॉट mysql डॉट cj डॉट jdbc डॉट इस डेटा सोर्स डॉट सेट यूजर नेम क्या होगा रूट, फिर डेटा सोर्स डॉट सेट पासवर्ड क्या होगा बताइए सिस्टम, एंड डेटा सोर्स डॉट सेट क्या होगा URL। इस तरीके से मतलब ये हमें करने की जरूरत नहीं है, इसकी ऑटोमेटिकली ये इंटरनली होता है, ये कौन करता है स्प्रिंग करता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस गाइस प्लीज, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्लीज बताइए। राइट चलिए अभी हम ट्राई करते हैं इसे। तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिसोर्स में आ जाइए, राइट यहां पे आइए नीव, फिर यहां से कहां जाएंगे आप अदर्स, अदर्स के अंदर आप जाइए XML, XML फाइल यहां पे, यहां पे आप लिखेंगे कनेक्शन डॉट XML, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। सबसे पहले अभी हमें लगेगा डॉक टाइप, तो डॉक टाइप कहां पर रहता है कौन बताता है, मैप एंड डिपेंडेंसीज, इसके अंदर कौन से फाइल के अंदर डॉक टाइप होता है, यस बीन्स के अंदर रहेगा। यहां पे आप कैसे लिखेंगे फैक्ट्री डॉट एक्सएमएल, प्लीज प्लीज माइक्रोफोन फैक्ट्री डॉट एक्सएमएल, फिर यहां पे आपको लिखेगा स्प्रिंग बीन्स डीटीडी। यहां पे आने के बाद फिर आपको करना क्या है, आपको यहां पे इसे कॉपी करना है, इसे आप कॉपी करेंगे, ये डॉक टाइप को आप पेस्ट करेंगे बस फिनिश सॉरी। फिर आप यहां लिखिए बीन्स, फिर यहां लिखेंगे बीन आईडी इक्वल टू डेटा सोर्स क्लास इक्वल टू ओआरजी डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट जेडीबीसी डॉट डेटा सोर्स डॉट डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पे आइए, जेडीबीसी के अंदर जो जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ ये क्लास कहाँ कैसे लेते हैं। अभी आप देखिए आप अगर आप जेडीबीसी के अंदर अगर आप आते हैं, आप जेडीबीसी में आइए, यहाँ पे आने के बाद यहाँ आप देखिए स्प्रिंग जेडीबीसी, यस और नॉट, यहाँ देखिए डेटा सोर्स के अंदर आप आइए, डेटा सोर्स के अंदर आने के बाद ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स को आप राइट क्लिक करेंगे, कॉपी क्वालिफाइड नेम, इज इट क्लियर और नॉट, कॉपी करेंगे इसे, इसे कॉपी करने के बाद फिर आप यहां पे आके इसे पेस्ट कर देंगे फिनिश, इज इट क्लियर और नॉट, राइट। फिर अभी आप यहां लिखिए प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ड्राइवर क्लास नेम वैल्यू इक्वल टू com dot mysql dot cj dot jdbc dot कैसे लिखेंगे driver, property name equal to कैसे होगा user name, value equal to कैसे होगा root, property name कैसे रहेगा password, value कैसे रहेगा system url, और value कैसे रहेगा JDBC MySQL slash slash localhost colon 3306 slash of MySQL बराबर, yes or not? अगर आपको लगता है इसे कॉल करना है फिर आप यहां पे ऐसे कर सकते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन बनाइए, क्लाइंट एप्लीकेशन आप बनाएंगे, यहां पे आप आइए राइट क्लिक हियर नीव अ क्लास, यहां पे आप ऐसे लिखिए क्लाइंट एप्लीकेशंस, राइट यहां पे आप आइए, यहां पे आने के बाद आप ऐसे लिखेंगे रिसोर्स ऑफ आर इक्वल टू न्यू ऑफ क्लास पाथ रिसोर्स कनेक्शन डॉट एक्सएमएल यस और नॉट connection.xml,
bin factory BF equal to new of XML bin factory of R. ठीक है, फिर अभी आप लिखिए ऐसे ड्राइवर मैनेजर डॉट ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स ऑफ डी इक्वल टू ब्रैकेट ड्राइवर मैनेजर डॉट डेटा सोर्स, ये पूरा सिखाया मैंने अभी आपको कोर के अंदर, बी एफ डॉट गेट बीन ऑफ, क्या लिखेंगे आप बताइए, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स क्या दिया है हमने बताइए स्टूडेंट्स, यस गाइस डेटा सोर्स क्या दिया है हमने, डेटा सोर्स आपका ये आईडी है, डेटा सोर्स ये आपका आईडी है, तो मैंने बोला था ना बिन को आईडी से कॉल करते हैं, फिर इफ डी जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट मशीन हैंग हो गया शायद, देखिए इफ ऐसे लिखिए डी Not equal to a null, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटाबेस इज कनेक्टेड, देखिए वो उसकी तरह हमें बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इज इट क्लियर, यस गाइस प्लीज बताइए समझ में आया या नहीं आया, हेलो हमने क्या किया है डेटाबेस के रिलेटेड जो कॉन्फिगरेशन है ये सिंपल एक XML के अंदर रखा है और उसे यूज किया है, अब अगर आप यहाँ पे आते हैं राइट क्लिक करते हैं जावा एप्लीकेशंस करते हैं तो देखिए डेटाबेस इज कनेक्टेड, एक तरीका हो गया, और दूसरा एक तरीका ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो था ये किसके जरिए है बताइए, दिस इज बाय यूजिंग XML और नॉट, यस स्टूडेंट्स प्लीज, यस राइट, ये जो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन जो किया है कनेक्शन जो किया है ये कैसे किया है बाय यूजिंग XML किया है, अब दूसरा है कॉन्फ़िगर इट्स बीन बाय यूजिंग एनोटेशन, इसका जो बीन है आप एनोटेशन से कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर आप एनोटेशन से कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे उसके लिए अलग से पैकेज लिखते हैं, चलेगा राइट क्लिक हियर नीफ कैसे लिखेंगे पैकेज org.techhub.anot ऐसे लिखिए, और यहां पे एनोटेशन में कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको एक क्लास लिखना पड़ेगा, यस और नॉट, मैं लिखूंगा db config आप इसे ऐसे लिखिए यहाँ पे आप आइए, फिर अभी आप यहाँ पे आके लिखेंगे @ कॉन्फ़िगरेशन, फाइल को हम से ऑल करते हैं और यहां पे आप आइए, फिर @ कैसे लिखेंगे हम बीन नेम इक्वल टू कैसे होगा डेटा सोर्स पब्लिक ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स गेट डेटा सोर्स यहाँ पे आप ऐसे देखिए राइट, फिर अभी आपको लिखना है ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स ऑफ अ डेटा सोर्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स डेटा सोर्स डॉट से ड्राइवर क्लास नेम com.mysql.cz.jdbc.driver set username root set password क्या होगा system set URL just wait jdbc mysql :// localhost :3306 Is it clear or not? Yes, students, देखिए सिंपल है, और आपको यहां से
रिटर्न क्या करना है, डेटा सोर्स, बस सिंपल। अभी आपको इसके लिए भी क्लाइंट एप्लीकेशन लिखना है, ये अभी बताने की जरूरत नहीं है, समझाया था मैंने स्प्रिंग कोर के अंदर, यस और नो। यहां पे फिर आप यहां आइए, राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, क्लाइंट एप्लीकेशन, यहां पे आप आइए, यहां पे आने के बाद फिनिश, यहां पे फिर आप लिखिए एनोटेशन कॉन्फ़िग कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू न्यू ऑफर एनोटेशन कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग डॉट अ क्लास, इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, डीबी कॉन्फ़िग, सॉरी गलत हुआ, डीबी कॉन्फ़िग डॉट अ क्लास, बराबर। फिर ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इक्वल ब्रैकेट में आप लिखेंगे ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन ऑफ अ डेटा सोर्स इज हियर, इफ data source not equals to a null, not connected, save on. Right click here, run as Java applications. देखिए database is connected. Is it clear or not? देखिए दोनों भी तरीके हैं, या तो आप configuration XML से भी कर सकते हैं, या तो आप configuration किससे कर सकते हैं? Yes, ये अलग package से करा। या तो आप configuration किससे कर सकते हैं? Annotations. Is it clear or not? Yes guys, please बताइए। ठीक।